हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टैक्स ऑडिट का सीजन स्टार्ट हो गया है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फिल होना भी स्टार्ट हो गया है, बट अभी भी जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है टैक्स ऑडिट का वो है 43B H, एमएसएमई से रिलेटेड है। अगर आपने कोई सप्लायर है जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है, उनसे डीलिंग की है और उनको अगर आपने टाइमली पे नहीं किया है तो वो डिसअलाउ हो सकता है। ऑडिटर को डिसअलाउंस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 3CD में बतानी है, क्लॉज 22 में। बट इसमें काफी कंफ्यूजन है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसके क्या इंटरप्रिटेशन क्या है, और डिस्क्लेमर देना है तो कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोविजन समझेंगे जो सेक्शन 43B है। 43B एक्चुअल पेमेंट बेसिस ही डिडक्शन की बात करता है कि आपने जब ये A to H एक्चुअली पे कर दिए होंगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अब डिडक्शन की बात क्या है, जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम से काफी एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं और उसके बाद ही नेट प्रॉफिट पे हम अराइज होते हैं जिसपे टैक्स कैलकुलेट होता है। तो अगर आपने PNL में एक्सपेंसेस में कोई ऐसे खर्चे लिए हैं और वो खर्चे A to H में फॉल करते हैं तो ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही आपको डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अदर देन एच की बात करूं तो इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इम्प्लॉयर PF या ESIC कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये तभी डिडक्शन इसका मिलता है एज एन एक्सपेंस जब आप इसको ड्यू डेट ऑफ द एक्ट और बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप इसका पेमेंट कर देते हैं तो, या कोई भी टैक्सेस का पेमेंट आप कर देते हैं तो डिडक्शन मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब हम डायरेक्टली एच पे आते हैं क्योंकि एच ही है जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है अभी इस साल। आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 3CD में क्लॉज 22 में इसके डिसअलाउंसेस रिपोर्ट करने हैं, बट ये है क्या और इसको कैसे आप कंप्यूट करेंगे, कैसे देखेंगे कि क्या क्या अमाउंट डिसअलाउ होना है। एनी सम पेबल बाय द असेसी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 शैल बी अलाउड इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइबिलिटी टू पे सच सम वॉज इंकर्ड बाय द असेसी अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय हिम ओनली इन कंप्यूटिंग द इनकम रेफर टू इन सेक्शन 28 ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड बाय हिम। प्रोविजो भी है इसमें, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ अ क्लॉज एच शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी सम विच इज एक्चुअली पेड बाय द असेसी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एप्लीकेबल इन हिस केस फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइबिलिटी टू पे सच सम वॉज इंकर्ड एज एफोरसेड एंड द एविडेंस ऑफ सच पेमेंट इज फर्निश्ड बाय द असेसी अलॉन्ग विद सच सम। ये है क्या, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। सबसे पहले एच की लैंग्वेज मैं आपको बताती हूँ कि ये है कि कोई भी असेसी है उसको पे करना था माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस दैट इज MSME पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ अमाउंट, और वो विद इन दी टाइम लिमिट जो सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट में बताया गया, जो टाइम लिमिट बताया गया उस टाइम लिमिट में नहीं पे करता तो वो जो खर्चा है जिसके अगेंस्ट में ये पेमेंट की बात कर रहे हैं वो अलाउड नहीं होगा। कब नहीं होगा, उस साल अलाउड नहीं होगा जिस साल आपने उसको पे नहीं किया। ये कब वो अलाउ होगा, जिस साल आप उसको पे करोगे। सिंपल लैंग्वेज में तो यही वो बोल रहा है। और जो ये प्रोविजो है, प्रोविजो कहता है कि 43B का ये प्रोविजो है, ना कि स्पेशली एच का। 43B में जो ए से लेके जी तक, क्योंकि यहाँ पर एच को एक्सक्लूड कर दिया है, इसमें बता रहे हैं कि अगर आप रिटर्न फाइलिंग के पहले पे कर देते हैं तो ए से लेके जी तक के जितने भी डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं, वो डिसअलाउ नहीं होंगे ए से लेके जी तक की बात कर रहे हैं। पर रिटर्न के पहले आप जमा कर देते हो, बट एच क्या है, अगर आपने कोई एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन है उसको आपने 31 मार्च तक पे नहीं किया, बट आप 31 मार्च के बाद मतलब अप्रैल से लेके रिटर्न फाइलिंग का टाइम जो हमारा अक्टूबर है, अक्टूबर के पहले पहले कर देते हैं, तब भी ये
2023-24 में तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कब? जब आपने पे किया है। कब पे किया है? अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच 24। तो 24-25 में आपको इसका डिडक्शन मिलेगा एमएसएमई को जो आप पे कर रहे हो। तो अब दिक्कत की बात ये आती है कि साल भर हम देखेंगे इसको कि एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 15 जो है एमएससी में एक्ट का, वो दो टाइम लिमिट बताते हैं। एक है 15 डेज और एक है 45 डेज। 15 डेज की तब एप्लीकेबल होगी जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, और 45 डेज की कब एप्लीकेबल होगी? जब कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है कोई एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन से और उसमें 60 डेज लिखा हुआ है, तो तब कौन सी टाइम लिमिट देखी जाएगी? 15, 45 या 60? तो 45 डेज। एमएसएमई एक्ट कहता है मैक्सिमम 45 डेज का ही टाइम लिमिट दिया गया है कि आप 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन को। बियॉन्ड 45 डेज नहीं जाना चाहिए। और 15 डेज कब है? जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। अब ये जो टाइम लिमिट है ये कब से देखा जाएगा? अपॉइंटेड डेट। एक्ट में लिखा है अपॉइंटेड डेट, और अपॉइंटेड डेट का क्या मतलब है? गुड्स रिसीव हो गए। इसमें भी काफी कंट्रोवर्सी है कि गुड्स तो रिसीव हो गए हैं बट कुछ डिफेक्ट आ गया तो फिर क्या? तो डिफेक्ट के केस में आप जब रिटर्न करोगे और फिर से जब फ्रेश माल आएगा, ऐसा गुड आएगा जो कि आप सेल कर सकते हैं, सेलेबल गुड्स आएंगे, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तब से तब अपॉइंटेड डेट माना जाएगा, और तब से आपको 15 या 45 डेज कैलकुलेट करना है। तो 15 और 45 तो अपन को पता चल गया। अब साल भर क्या है? जब आप एक किसी एमएसएमई क्रेडिटर का लेजर देखेंगे तो साल भर ऐसे कोई पेमेंट होंगे जो 15 डेज या 45 डेज के बियॉन्ड जा चुके हैं पेमेंट, या तो 15 डेज 45 डेज के अंदर हो सकते हैं या इसके बियॉन्ड। तो बियॉन्ड है साल भर, पे तो हो गया है 23-24 के ड्यूरिंग द ईयर 23-24 में ही पे हुआ है, तो वो तो सारे परचेजेस या जो भी एक्सपेंसेस है वो सब अलाउड होंगे क्योंकि वो पे हो चुका है, बट विद इन दी टाइम लिमिट तो नहीं था। तो इस केस में क्या होगा? तो एमएसएमई एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट आपको विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी है, अगर आपका जो एसएससी है या आप खुद एसएससी कंपनी है, तो स्टैचरी ऑडिटर को ये चीज डिस्क्लोज करना है कि इंटरेस्ट कितना देना चाहिए था शेड्यूल 3 में, और वो इंटरेस्ट भी अलाउड होगा एज डिडक्शन। तो इंटरेस्ट की बात आती है ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शन में अगर कोई डिले होता है तो, बट अगर 31 मार्च को जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो किसी भी परचेज के कारण आउटस्टैंडिंग है, किसी भी एक्सपेंस या ट्रांजैक्शन के कारण वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन का, तो उस केस में आपको क्या देखना है? सबसे पहले तो कि वो विद इन दी टाइम है कि नहीं, मतलब अभी 15 डेज जा चुके हैं या 45 डेज जा चुके हैं क्या। अगर नहीं जा चुके, विद इन दी टाइम है, तो फिर आपको देखना है कि बाद में उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो पेमेंट फिर उसमें कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, वो इनका ये कहना है कि नहीं, उनको आपको ये देखना है कि अगर उनका जो टाइम लिमिट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मई में, तो अप्रैल मई में विद इन दी टाइम पे हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसको आपको डिसअलाउ करना है। और कुछ सीनियर कंसल्टेंट्स का ये कहना है कि आपको सिर्फ 31 मार्च को जो भी टाइम लिमिट जा चुकी है, बियॉन्ड दी टाइम लिमिट है, 15 डेज 45 डेज उनके खत्म हो गए, स्टिल दोज ट्रांजेक्शन आर आउटस्टैंडिंग, 31 मार्च का जो बैलेंस है उसमें आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपको स्ट्रेट अवे डिसअलाउ करना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सा स्टैंड लिया है इन दोनों में से, कि जो 31 मार्च को अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और वो विद इन दी टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, दैट इज 15 डेज और 45 डेज। अभी टाइम 15 या 45 डेज नहीं गया है, पर जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो 15 और 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं होता, बियॉन्ड चला जाता है, तो क्या उन परचेजेस उन एक्सपेंसेस को भी आप डिसअलाउ कर रहे हो 23-24 में? क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर आप वैसे भी डिसअलाउ नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट ईयर उसका खर्चा ही आप क्लेम नहीं कर रहे, वो तो इस साल खर्चा क्लेम कर रहे हो, तो टेक्निकली वो भी डिसअलाउ होने चाहिए।
या फिर आप वहीं तक ही डिसअलाउंसेस सीमित रख रहे हो कि जिनका टाइम लिमिट खत्म हो चुका है और स्टिल दे आर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2024। अब ये तो बात समझ आ गई कि करना क्या है, दो तरीके से फॉलो करना है, बट फॉलो यही करना है कि 31 मार्च के बैलेंस को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आता है डिस्क्लेमर, क्या होना चाहिए डिस्क्लेमर। तो दो प्रकार के यहाँ पर डिस्क्लेमर्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 43(b)(h) और डिसअलाउंस ऑफ ओपिनियन ड्यू टू इनएडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। पहला तो एग्जाम्पल ये कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया एमएसएमई कौन कौन है, और सेकेंड एग्जाम्पल में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था किसी क्रेडिटर से कंफर्म करने का। तो अगर आपके पास टाइम ही नहीं था, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो उसमें तो सिंपल, एज पार्ट ऑफ आर टैक्स ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंपनीज एक्ट फॉर द ईयर एंडेड डेट, वी वर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई कंप्लायंस विद सेक्शन 43(b)(h) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस सेक्शन मैंडेट्स दैट एनी सम पेबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस मस्ट बी पेड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट 2006, फेलिंग विद सच अमाउंट एज डिसअलाउड एज अ डिडक्शन ड्यूरिंग आर ऑडिट। वी ऑब्जर्व दैट द कंपनी डज नॉट मेंटेन एडिक्वेट रिकॉर्ड और सिस्टम टू करेक्टली आइडेंटिफाई ऑल इट सप्लायर हु क्वालिफाई एज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस एज डिफाइंड अंडर द एक्ट। विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सप्लायर वी वर अनेबल टू वेरीफाई वेदर द पेमेंट टू सच एंटरप्राइजेस वर मेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम एंड कॉन्सिक्वेंटली वेदर एनी डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 43(b)(h) आर एप्लीकेबल। Due to this limitation, we were unable to determine if the company has fully complied with the provision of Section 43(b)(h) of Income Tax Act. As a result, we disclaim our opinion on this. तो आपको इस तरह से कुछ disclaimer देना है जब आप नहीं identify कर पाए और आप check नहीं कर पाए। बट अगर आपने कुछ चेकिंग करी और disallowances आ रहे हैं, तो उसमें जो आपका पॉइंट होगा रिपोर्टिंग का वो कुछ अलग हो जाएगा। एज पार्ट ऑफ आर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डैश कंपनी फॉर द ईयर एंडेड वी वर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद सेक्शन 43(b)(h) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट व्हिच पर्टेन्स टू द डिसअलाउंस ऑफ एनी सम पेबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। हाउएवर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ स्कोप वी कुड नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द पेमेंट स्टेटस टू दीज एंटरप्राइजेस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कॉन्सिक्वेंटली वी आर अनेबल टू डिटरमाइन द एडजस्टमेंट इफ एनी दैट माइट हैव बीन नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयरफॉर वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन पोटेंशियल डिसअलाउंसेस। कोई पोटेंशियल डिसअलाउंसेस नहीं है तो आप ऐसे डिस्क्लेमर दे सकते हैं। अब अपन दो चार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मिस्टर ए है जो कि एमएसएमई रजिस्टर्ड है एंड उससे हमने 1 लाख की परचेज करी है। अब ये जो परचेज डेट है ये हमारी है मान लीजिए ये हमारी है 10th मार्च। अब इसमें बताना जो गुड्स रिसीव हुए वो भी हम यही अज्यूम करेंगे कि 10th को ही रिसीव हुए, तो 10th से जब हम 15 डेज काउंट करेंगे इसमें जो ड्यू डेट फॉल होती है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम 15 डेज लेंगे। 15 डेज के हिसाब से 25th मार्च 2024। तो अगर 25th मार्च तक पेमेंट हो जाता है, मतलब अभी 15th जो पेमेंट हुई है, पेमेंट मेड ऑन 15th मार्च, अगर 15 मार्च को ही पेमेंट हो जाता है तो ये अलाउड होगा, है ना, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इफ पेमेंट मेड ऑन 4th अप्रैल 2024,
अब इस केस में क्या होगा? तो इस केस में हम देखिए 15 डेज का जो टाइम लिमिट है वो चला गया है, बिल्कुल चला गया है, और वो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को 1 लाख रुपए, बिल्कुल है। तो इस केस में क्या होगा? डिसअलाउड होगा इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और अब इसी में ही मैं ट्विस्ट ये करती हूँ कि जो ड्यू डेट है वो 45 डेज की है, मतलब एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और 45 डेज। तो 45 डेज कब कॉल करेंगे? ये हमारे कॉल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, 25 अप्रैल 2024 रहेगी, जहां तक 45 डेज अगर खत्म होंगे। तो अब ये जो पेमेंट है, पेमेंट हमारा पेमेंट मेड ऑन अगेन 4/4/2024 ही मानते हैं। तो इस केस में क्या होगा? ये आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को 1 लाख रुपए, 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, जी हाँ आउटस्टैंडिंग है। क्या टाइम लिमिट खत्म हो गई है 31 मार्च को? नहीं, टाइम लिमिट खत्म नहीं हो रही, पर टाइम लिमिट खत्म कब हो रही है? 25 अप्रैल को। अब 25 अप्रैल को खत्म हो रही है और पेमेंट विद इन टाइम हो गया, यस, तो ये तो अलाउड होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अब कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ पर आ रही है? अगर पेमेंट मेड ऑन 1 मई 2024, अब इस केस में क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए 31 मार्च को सबसे पहले आउटस्टैंडिंग था, जी 31 मार्च को हमारी बुक्स में तो ये 1 लाख रुपए का डिडक्शन है और ये आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए। अब इसमें क्या टाइम लिमिट खत्म हो गई है? टाइम लिमिट नहीं खत्म हुई। टाइम लिमिट कब खत्म हो रही है? 25 अप्रैल को टाइम लिमिट खत्म हो रही है। अब क्या टाइम लिमिट जब खत्म हो रही है तब विद इन दी टाइम पेमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। ये कहाँ कब हो रहा है पेमेंट? बियॉन्ड टाइम लिमिट पे हो रहा है। तो डिसअलाउड कब होना चाहिए? ये डिसअलाउड क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में होना चाहिए। तो 24-25 में डिसअलाउड का कोई मतलब ही नहीं है। डिसअलाउड का मतलब ही मैंने स्टार्टिंग वीडियो में इसलिए आपको बताया, डिसअलाउंस का मतलब है जब हम कोई खर्चा क्लेम कर रहे हैं तो उसको डिसअलाउ करने की बात करेंगे, एड बैक करने की बात करेंगे। 24-25 में तो कोई खर्चा क्लेम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा इसको, डिस अलाउड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि हम खर्चा कब क्लेम कर रहे हैं? 23-24 में कर रहे हैं, 24-25 में कुछ नहीं होना है। इसलिए ये जो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर बड़ा डेंजरस है और इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो मेरे ओपिनियन में तो ये इसको भी आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, जो इस प्रकार के पेमेंट है जो 31 मार्च में, तो जिनकी टाइम लिमिट खत्म नहीं हो रही है, बट आफ्टर 31 मार्च आप जब ऑडिट कर रहे हैं तब तक उनकी टाइम लिमिट खत्म हो रही है, बट वो भी टाइमली पे नहीं हुए हैं, तो उनको भी आपको आइडेंटिफाई करके डिसअलाउ करना है। और बकायदा आप नोट डालिए, सारे डिस्क्लेमर्स अच्छे से डालिए, अगर आप ऑडिटर हैं तो इसका ध्यान जरूर रखिए। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। अब मैं आगे के वीडियो टैक्स ऑडिट क्लॉजेस में बनाऊंगी। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।